दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे काशी टोल प्लाजा का उद्घाटन हो गया है। ये एक्सप्रेसवे का पहला डिजिटल टोल है। टोल प्रबंधक का दावा, सर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का तीसरा नंबर का टोल है, काशी टोल प्लाजा के नाम से है और ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें फुल डिजिटल है जो जीपीएस मोड पे काम करेगा। करीबन कितने का टोल है और कैसे कैसे टोल लिया जाएगा और क्या क्या इस पे? सर जी कार का 155 रुपए का टोल है, फास्टैग से ही जो भी पैसा लिया जाएगा, फास्टैग से विदाउट फास्टैग गाड़ी जो भी आएगी उससे पेनल्टी वसूली जाएगी एनएचआई की गाइडलाइन के थ्रू और हमारा सिस्टम वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा भाई, ओवर स्पीड हुआ या और भी दुर्घटना हुई उसके लिए कैसे? ओवर स्पीड के लिए इसमें कैमरेस लगे हुए हैं, जिसके ओवर स्पीड होगा वो आरटीओ से चालान वगैरह ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान वगैरह की वो अभी व्यवस्था की गई है। अब बाइक वगैरह को सबको भी रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस से बात की हुई है। अगर वहीं पे जैसे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तकरीबन इसमें कितने कैमरेज लगे हैं और क्या क्या निगरानी करेंगे? कैमरे हर पॉइंट पे कैमरे लगे हैं ओवर स्पीड के लिए। हमारे सामने एटीएमएस में होना था, ओवर स्पीड जो कैमरेज है एक्सीडेंट वगैरह वो कैमरेज वो एक्वायर करेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस के वो काउंट करते हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, हर कैमरे की 5 किलो की रेंज। और इसके साथ जैसे जो मोटरसाइकिल चढ़ेंगे जी जी, ये सर पुलिस के सपोर्ट लेके ही उन गाड़ियों का चालान वो होगा और गाड़ियों को रोकने की कोशिश करेंगे। वहीं पर टोल पे कुछ रेट बढ़े हैं आज से? जी, बढ़े हुए रेट का टोल चालू हुआ? जी जी नहीं, वो अब पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 1 अप्रैल को रेट रिवाइज होती है तो वो जो रेट रिवाइज हुई है पिछली साल जो थी उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है तो वही रेट लागू हुई आज से। अच्छा, कितने रुपए पर किलोमीटर लिया जाएगा और कहाँ से यहाँ पे चढ़ा जाएगा और कैसे? दिल्ली सरायखाल से पहला पॉइंट है, 0 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अपना मेरठ है 90 किलोमीटर के लगभग। तो जैसे ही दिल्ली सराय से चढ़ेगी गाड़ी और अपनी यहाँ काशी पे उतरेगी उससे अपने कार का 155 रुपए का टोल लिया जाएगा। यदि विदाउट फास्टैग आएगी तो विद पेनल्टी लिया जाएगा। इस पे कार का जितना आप रोड यूज करेंगे उतना ही पैसा लगेगा। जिस पॉइंट से आप एंट्री करोगे, एंट्री से जिस पॉइंट पे आप एग्जिट करोगे उसके बाद में ही आपका पैसा डिटेक्ट होगा। अगर जैसे यहाँ से यात्री चढ़ेंगे तो यहाँ से टोल कटेगा या जहाँ एग्जिट? जहाँ एग्जिट करेंगे वहाँ, एंट्री पॉइंट पे टोल नहीं है, एग्जिट पॉइंट पे क्रॉस करते ही वही फास्टैग से पैसा कटेगा। तो केवल फास्टैग के लिए जाएगा या कैश की लाइन भी बनाई गई है? नहीं नहीं, कैश लाइन नहीं है, कैश का है। यदि विदाउट पेनल्टी वो चलेंगे, विदाउट फास्टैग की चलेंगे तो पेनल्टी ली जाएगी। पेनल्टी के रूप में क्या लिया जाएगा? डबल चार्जेज है, जो जितना फास्टैग है उतना ही वो एनएचआई की गाइडलाइन में है। 100% अपना जो सपना है भाई डिजिटल हो, फास्टैग हो, इसलिए वो पेनल्टी का है। कार समेत छोटे वाहनों पर 155 रुपए का टोल टैक्स लगेगा। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों पर जुर्माना भी लगेगा। ओवर स्पीडिंग पर नजर रखेंगे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे। एक्सप्रेसवे पर एंट्री के दौरान टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एग्जिट पॉइंट पर टोल काटा जाएगा। जितना वाहन चलेगा उतना ही टैक्स काटा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।